ये रेडियो जुनबिश उर्दू की आवाज है। पंचशंबे 26 मार्च साल 2020 के न्यूज बुलेटिन के साथ मैं ज़हीर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। न्यूज बुलेटिन में शामिल चंद अहम खबरों की सुर्खियां पेश खिदमत हैं। केच और पंजगूर से काबिज पाकिस्तानी फौज ने 5 अफराद को जबरी तौर पर लापता किया है। केच के इलाके मंद में बीएलएफ के सरमाचारों ने हमला करके एक पाकिस्तानी फौजी अहलकार को हलाक किया है। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 115 हो गई है। दूसरी तरफ सूबे भर में लॉकडाउन जारी है। अहम खबरों की सुर्खियों के बाद आइए बुलेटिन के पहले हिस्से में बलूचिस्तान से मुतल्लिक खबरें सारिन बलोच से सुनते हैं। केच के इलाके मंद में बलूच सरमाचारों ने पाकिस्तानी फौज की चौकी पर हमला कर दिया है। हमला केच के इलाके मंद चुकाब के मकाम पर किया गया। मकामी जराए से मौसूल होने वाले इतलात के मुताबिक चौकी पर हमले में एक अहलकार हलाक हुआ है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के तर्जुमान मेजर गोहरम बलोच ने केच में एक फौजी अहलकार की हलाकत की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि मंगल के शाम 7 बजे बीएलएफ के सरमाचारों ने केच के इलाके मंद चौकाप में कायम पाकिस्तानी आर्मी की चेक पोस्ट पर स्नाइपर राइफल से एक फौजी अहलकार को निशाना बनाकर हलाक किया। केच से काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज ने 3 नौजवानों को लापता कर दिया है। इतलात के मुताबिक बुध की शाम केच में बुलेदा के इलाके मीनाज में छापा मारकर रियासती फोर्सेज ने 3 नौजवानों को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है, जिनकी शनाख्त हयात, आबिद और जहांजेब के नामों से हुई है। दूसरी तरफ केच के इलाके हीरोंग से पाकिस्तानी फोर्सेज ने एक 50 साल शख्स को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है, जिसके बाद उनके हवाले से किसी किस्म की मालूमात नहीं मिल सकी है। लापता किए जाने वाले शख्स की शनाख्त 50 साल दिलपुल वलदी यार मोहम्मद के नाम से हुई है, जिसे चंद दिन पहले लापता किया गया है। पाकिस्तानी फोर्सेज और खुफिया इदारों की कायम करदा मकामी डेथ स्क्वाड के अहलकारों ने पंजगूर के इलाके परोम दिस से एक नौजवान को गिरफ्तार करके लापता कर दिया है। लापता होने वाले नौजवान की शनाख्त नासिर वलद ईसा के नाम से हुई है। नासिर वलद ईसा पेशे के लिहाज से जमींदार हैं। क्वेटा में किले शाहनवाज सरयाब मिल मरी स्ट्रीट के रिहायशी जिया खान मरी लापता हुए हैं। जिया खान मरी के लवाहिकीन ने रेडियो जुम्बिश के नंबर पर राबता करके उनकी तलाश में मदद की दरख्वास्त की है। लवाहिकीन के मुताबिक वो 7 दिन पहले एक शादी में शिरकत के लिए घर से निकले थे और उस वक्त से उनकी खैरियत के बारे में कोई खबर नहीं। जिया खान की उम्र 70 साल के लगभग है और वो जहनी तौर पर अदम तवाजन का शिकार हैं। लवाहिकीन ने दरख्वास्त की है कि अगर किसी को उनके बारे में कोई मालूमात है तो इस नंबर पर राबता करें 03342948195। उनका मजीद कहना था कि कोरोना वायरस के हवाले से उठाए गए लॉकडाउन इकदाम की वजह से उनकी तलाश में अहलखाना को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने सरकारी हुकाम से भी उनकी तलाश में मदद करने की दरख्वास्त की है। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के 5 नए केसेस सामने आए हैं। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी ने नए केसेस की तस्दीक करते हुए कहा है कि बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 115 हो गई है। ताहम लियाकत शाहवानी ने ये नहीं बताया है कि कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद का ताल्लुक किन इलाकों से है। लियाकत शाहवानी ने मजीद कहा है कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए अवाम ने तावन न किया तो मजीद सख्त इकदाम करते हुए कर्फ्यू लगा सकते हैं। अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन मतलब है कर्फ्यू, इससे कमतर कोई भी इकदाम जुज़वी लॉकडाउन कहलाएगा।
حکومت کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کی روشنی میں اسسٹنٹ کمشنر مستنگ نے شاہراہوں پر واقع ہوٹلوں کے خلاف سخت کارروائی کر کے مختلف مقامات پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر ہوٹلوں کو سیل کر کے مالکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ کوئٹہ میں نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم چلایا۔ سریاب کے علاقے کیچی بیگ کے نوجوانوں پر مشتمل ٹیم بلوچستان بچاؤ کے نام سے مہم چلائی گئی، جس کے تحت گھروں، دفاتر اور دکانوں پر جا کر لوگوں کو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آگاہی دی گئی۔ آگاہی مہم کے منتظمین نے عام لوگوں کو ماسک، سینیٹائزر اور دستانے تقسیم کیے۔ یوب سے کرونا کا ایک مریض کوئٹہ لاتے ہوئے راستے سے فرار ہو گیا ہے۔ ڈی ایچ او یوب ڈاکٹر مظفر شاہ کے مطابق کرونا وائرس کا مشتبہ مریض، جو الحمد یونیورسٹی کا طالب علم بتایا جاتا ہے، کو کوئٹہ منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں فرار ہو گیا ہے۔ تاہم انتظامیہ نے فوری طور پر مفرور مریض کی تلاش شروع کر دی ہے۔ آل پرائیویٹ ایسوسی ایشن ہسپتال بلوچستان نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ اگر سرکار کو ہمارے ہسپتال کی کسی وقت بھی ضرورت پڑی تو ہم سرکار کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور اپنے ہسپتال سرکاری تحویل میں دینے سے گریز نہیں کریں گے، تاہم ہیڈ اخراجات سرکار کو لینے ہوں گے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے بلوچستان اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ملک نصیر احمد شاوانی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک بھر میں لاک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے۔ وزیراعلی بلوچستان سوشل میڈیا اور دیگر فورم پر عوام اور مختلف مکتب فکر کے لوگوں کو اس حوالے سے بھاشن دیتے ہیں اور خود پکنک منانے کے لیے بلوچستان کے علاقے جھل مکسی میں پکنک پوائنٹ پر گھوم رہے ہیں۔ نیشنل پارٹی کے صوبائی ترجمان نے کہا ہے بلوچستان کی حکومت کی سنجیدگی پکنک منانے اور پارک میں بچوں کی بمپر کاریں چلانے میں ظاہر ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے صرف احتیاطی تدابیر کی تلقین کی حامل صوبائی حکومت کی ترجیحات سیر سپاٹے ہیں۔ گوادر کے علاقے سربند میں ایک نوجوان نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ خودکشی کرنے والے نوجوان کی عمر 20 سال ہے اور شناخت نعیم کے نام سے ہوئی ہے۔ مغربی بلوچستان میں دو افراد سیلابی ریلے میں بہہ کر ہلاک اور دیگر 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایران شہر یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے ایمرجنسی اسپتال کے سربراہ نے بتایا ہے کہ بلوچستان میں سیلاب سے نیک شہر اور سرباز کے دیہاتوں میں دو افراد سیلابی ریلے میں بہہ کر ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ گاڑیوں کے الٹنے سے 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واڈیلا۔ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے علاقے شاہدرہ چوک میں دھماکہ ہوا، جس سے پیٹرول پمپ مکمل جل گیا ہے۔ دھماکے میں 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکے کی نوعیت معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق دھماکہ اینڈ گرنیٹ کے ذریعے کیا گیا، جس کا ادب متاثرہ ٹینکر تھا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے 28 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد پاکستان بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 1000 ہو گئی ہے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق سندھ میں کرونا کے 413، پنجاب میں 296، بلوچستان میں 115، گلگت بلتستان میں 81، خیبر پختونخوا میں 78، اسلام آباد میں 16 اور آزاد کشمیر میں 1 کیس رپورٹ ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے مردان کی یونین کونسل منگا میں ایک ہی روز میں 39 افراد کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور سلیم جگڑا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ مردان کی یونین کونسل منگا میں کرونا کے 39 ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان میں عالمی وبا کرونا وائرس کے پھیلنے کے نتیجے میں معاشی سرگرمیوں میں آنے والے تعطل اور اس کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے عوام اور مختلف شعبوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ ریلیف پیکج میں مزدور طبقے کے لیے 200 ارب روپے، ایکسپورٹ اور انڈسٹری کے لیے 100 ارب اور غریب خاندانوں کے لیے 150 ارب روپے مختص کیے ہیں۔
जबकि 3,000 रुपया फी गराना देने का ऐलान भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि अदलिया शहरियों के हकूक के तहफ़ के लिए अपने फ़राइज़ की अंजामदेही जारी रखेगी। पाकिस्तान के अदालत उज़्मा के जानब से जारी एक बयान के मुताबिक हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के नापज़ करदा एहतियाती इकदाम पर अमल करते हुए बड़े पैमाने पर आवाम के लिए अदलिया की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाएगी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 4 के करीब मुसल्ला अपराध ने सिखों के एक इबादतगाह पर हमला किया है, जिसमें दर्जनों अपराध अलाग को ज़ख्मी हुए हैं। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक जाए वाकों पर स्पेशल फोर्सेस के कमांड पहुंच गए हैं और हमलावरों से मुकाबला जारी है। सिखों के नुमाइंदे और रुकन अफगान पार्लियामेंट नरेंद्र सिंह कालसा ने कहा है कि इबादतगाह में 150 अपराध मौजूद हैं, जिनसे 4 के मारे जाने की इतला है, जबकि सैकड़ों लोग यरगमाल हैं। मजहबी शिद्दत पसंद तंजीम दाश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, जबकि अफगान तालिबान ने हमले से लातालुकी का इजहार किया है। दूसरी तरफ जनूबी सूबा एलमंद के ज़िला मूसी किला में बारूदी सुरंग के एक धमाके में बच्चों समेत 7 आम शहरी हलाक हुए हैं। काबुल में वजारत दाखिला के एक एहलकार ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा है कि मजकूरा ज़िला और आसपास के इलाकों में तालिबान शिद्दत पसंदों ने बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगें बिछाए हुए हैं, जिसके सबब आए रोज़ जानी नुकसान होता है। अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अफगानिस्तान के लिए इकतसादी इमदाद में 1 अरब अमरीकी डॉलर कटौती का मुल्क के कलेदी शोबा जात और महकमों पर असर नहीं पड़ेगा। इस हवाले से अशरफ गनी का कहना था कि हुकूमतों के पास हमेशा तदब्बुर के आलात के लिए मंसूबे होते हैं, गैर मुतवक्का आलात के लिए हमारे पास भी कुछ बुनियादी मंसूबे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अमरीकी इमदाद में कमी का बराह रास्त असर हमारे महकमों और शोबों पर नहीं पड़ेगा। हम मुतबादल वसाइल की मदद से इस किला को पुर करने की कोशिश करेंगे। लीबिया में जनरल कलीफा हफ्तर की फ़ौज ने ऐलान किया है कि उसने मुल्क के जनूब में तुर्की का एक ड्रोन तैयारा मार गिराया है। मंगल की शाम जारी बयान में लीबिया की फ़ौज ने बताया है कि गिराया जाने वाला ड्रोन तैयारा रॉकेटों से लैस था। इसके ज़रिए अलजेब्रा के इलाके में तैनात लीबिया के फ़ौज के यूनिटों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। सूडान के वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल जमाल उमर बुध के सुबह दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गए हैं। वो पड़ोसी रियासत जनूबी सूडान के दौरे के सिलसिले में जोबा शहर में मौजूद थे। जमाल उमर मार्च 2017 से फौजी इंटेलिजेंस के सरबराह के मनसब पर फायज थे। बाद अजा वो उस अबूरी फौजी कौंसल के रुकन मुकर्रर किए गए जिसने उमर अल बशीर की माजूली के बाद इकतदार संभाला। चीन में एक शख्स मुबीना तौर पर एंटावायरस का शिकार होने के बाद हलाक हो गया है। न्यूज़वीक ने चीन के सरकारी ग्लोबल टाइम्स के हवाले से बताया है कि चीन के सूबे यूननान में इस शख्स की हलाकत पीर को उस वक्त हुई जब वो सूबे शानडोंग की जानब बस में सफ़र कर रहा था। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अपराध की तादाद 18,000 से तजावज़ कर गई है, जबकि भारत में लॉकडाउन के ऐलान के बाद दुनिया के एक तिहाई आबादी लॉकडाउन में है। खबर रसां इदारा AFP के मुताबिक दुनिया भर में वायरस से मुतासरा केसेस की तादाद 4 लाख से तजावज़ कर गई है, जिनमें से नेस्प यूरोपी ममालिक में हैं। यूरोपी मुल्कों में इटली अब भी सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है, जहां गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर केसेस कम होने के बाद रवां हफ्ते उनमें फिर इजाफा हो गया है। बरतानिया के शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले प्रिंस चार्ल्स कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। शाही खानदान के मुताबिक उनके टेस्ट मस्बत आए हैं और उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उनकी सूरत हाल तशवीशनाक है। ईरान में नायब वजीर सेहत कासम जान बाबाई ने एतराब किया है कि उनके मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 52,000 से ज़्यादा है। 26,000 कोरोना मरीजों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। बहुत से मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जबकि बाज़ की हालत खतरे में बताई जाती है। ईरानी नायब वजीर सेहत के एतरापी बयान में कोरोना के मुतासर मरीजों की तादाद सरकारी आदाद व शुमार से कहीं ज़्यादा है। ईरान में सरकारी सतह पर कोरोना के मुतासरा मरीजों की तादाद 13,049 बताई जा रही है।
عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ امریکہ کورونا وائرس کا عالمی مرکز بن سکتا ہے، جہاں اعداد و شمار سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وائرس سے امریکہ بری طرح متاثر ہوا ہے، جہاں 41,000 افراد اس وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ بین الاقوامی اولمپکس کمیٹی نے منگل کو اولمپک کھیل ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے، جو 24 جولائی سے 9 اگست تک جاپان میں منعقد ہونی تھی۔ عالمی ادارہ صحت کے معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے اولمپک گیم ملتوی کر کے سال 2021 کے موسم سرما میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جرمنی دارالحکومت میونک میں مقامی پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جو اسٹیشن پر نصب ٹکٹ مشینوں کو زبان سے چاٹ کر کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی خواہش رکھتا تھا۔ ملزم نے پولیس کو دیے گئے اعترافی بیان میں یہی موقف بیان کیا ہے۔ کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے فٹ بال کے 2 عظیم کھلاڑیوں لیونل میسی اور کرسٹیانو رونالڈو نے 1-1 ملین یورو دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ تھے کلیل واڈیلا، اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ اپنے میزبان ظہیر بلوچ کو اجازت دیجیے۔